इस वाले प्रॉब्लम में हमें एक हिंज सपोर्ट दिया हुआ है और एक रोलर सपोर्ट दिया हुआ है। हमें इन दोनों सपोर्ट पे रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले एज्यूम कर लेंगे। तो देखिए, हमने एज्यूम किया कि रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन लग रही है जिसको हमने नाम दिया है आरी। हमने हिंज सपोर्ट पे भी एज्यूम करा कि यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन लग रही है जिसको हमने नाम दिया VA, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लग रही है जिसको हमने नाम दिया HA। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले रोलर सपोर्ट पे रिएक्शन निकाल रहे हैं, हम RE की वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर आपको रोलर सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम हिंज सपोर्ट पे मोमेंट लेते हैं। हम किस पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं, देखिए हम इस A पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं। चूंकि ये वाला फिगर आपको इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है तो A पॉइंट पे इन सारे फोर्सेस का मोमेंट का एल्जेब्रिक सम कितना आएगा, जीरो। तो देखिए, VA का मोमेंट तो A पॉइंट पे आपको जीरो नजर आ रहा है क्योंकि VA आपका A पॉइंट से ही पास होके जा रहा है। HA का भी मोमेंट A पॉइंट पे आपको जीरो नजर आ रहा है क्योंकि HA वाला फोर्स भी A पॉइंट से पास होके जा रहा है। 20 न्यूटन का मोमेंट अगर आपको A पॉइंट पे लेना है तो आप लिखेंगे 20 × 2। और इसके मोमेंट का नेचर देखिए, ये नेचर इसका कैसा है, क्लॉकवाइज। अगर RE फोर्स का मोमेंट आपको A पॉइंट पे लेना है तो आप लिखेंगे RE × 4, और इसका नेचर कैसा है, ये आपका है एंटी क्लॉकवाइज। अब हम 12 न्यूटन वाले फोर्स का मोमेंट A पॉइंट पे लेंगे तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम देखें 12 न्यूटन वाले फोर्स को आगे की ओर बढ़ा लेंगे और उसको इस पॉइंट F पे ले आएंगे। इस पॉइंट F पे लाने के बाद हम इसको रिजॉल्व कर देंगे। तो देखें, इसका एक कंपोनेंट क्या बनेगा, ये वाला, इसको हम लिखेंगे 12 cos 45। 12 का जो सेकंड कंपोनेंट बनेगा परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, इसको हमने लिख दिया 12 sin 45। अब हम 12 न्यूटन वाले को हटा देंगे। आपको देखिए नजर आ रहा है 12 cos 45 का मोमेंट A पॉइंट पे कितना होगा, जीरो होगा। इसका मोमेंट जीरो क्यों होगा, क्योंकि 12 cos 45 वाला फोर्स A पॉइंट से पास होके जा रहा है। अब 12 sin 45 का मोमेंट आपको A पॉइंट पे मिलेगा, कितना मिलेगा, 12 sin 45 into 2, और इसके मोमेंट का नेचर देखिए कैसा नजर आ रहा है, ये आपको क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। अब हमें 10 न्यूटन वाले फोर्स का भी मोमेंट A पॉइंट पे लेना है तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए मैंने क्या करा, 10 न्यूटन वाले फोर्स को पीछे की ओर बढ़ा लिया। हम किसी भी फोर्स को पीछे भी बढ़ा सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए 10 न्यूटन के लिए आपको यहां पे मिल गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, ये 2 मीटर आएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि 2 कैसे आएगा, यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल का बेस आपको दिया है, परपेंडिकुलर आपको निकालना है, और ये जो एंगल है इट इज 45 डिग्री। हम 10 45 लगाएंगे। 10 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 10 45 इज इक्वल टू दिस पी अपॉन 2। तो इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आपका 2 मीटर आ जाएगा। अब देखिए, ये आपका फोर्स है 10 न्यूटन वाला, इसके मोमेंट का नेचर यहाँ पे कितना, यहाँ पे कैसा नजर आ रहा है आपको, इसका नेचर आपको नजर आ रहा है क्लॉकवाइज। तो 10 का मोमेंट A पे कितना होगा, 10 × 2, और इसका नेचर हमें दिख रहा है क्लॉकवाइज। तो देखिए, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, और ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन तीनों का एल्जेब्रिक सम क्या होगा, जीरो होगा। तो देखिए, हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की पहली इक्वेशन लगाई, हमने सिग्मा एम को जीरो करा, जितने भी क्लॉकवाइज मोमेंट थे उनको मैंने प्लस लिखा है, जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उनको मैंने माइनस लिखा है, इक्वल टू मैंने जीरो कर दिया। तो इस इक्वेशन से आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी। अब हमको VA और HA निकालना है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, इनके वर्टिकल कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम करेंगे। तो देखिए,
अब हम इनके वर्टिकल कंपोनेंट अलजेब्रिक सम करेंगे तो हम वर्टिकल फोर्सेस को देखेंगे। वर्टिकल फोर्सेस कौन से हैं? VA है, 20 न्यूटन का है, RE है और 12 साइन 45 है। तो देखिए मैंने सिग्मा V को जीरो किया, अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को पॉजिटिव लिखा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को निगेटिव लिखा। तो हम लिखेंगे VA प्लस RE माइनस 12 साइन 45 माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो। अब हमें HA निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने लग रहे हैं? एक तो HA लग रहा है, एक आपका 12 cos 45 लग रहा है और एक आपका 10 लग रहा है। देखिए इन तीनों का मैंने अलजेब्रिक सम कर दिया, क्योंकि तीनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं इसलिए मैंने तीनों को पॉजिटिव लिखा है। तो इस वाली इक्वेशन से आपकी HA की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए RE की वैल्यू आपकी आएगी 19.24 न्यूटन, VA की वैल्यू आपकी आएगी 9.24 न्यूटन और HA की वैल्यू आएगी -18.48 न्यूटन। देखिए HA की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव आ रही है, मतलब HA का डायरेक्शन ये गलत है। यहाँ पे HA का डायरेक्शन क्या होगा? इसके अपोजिट होगा, वो इस साइड जाने वाला होगा।